नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल का दौर शुरू हो चुका है। अपनी अपनी सुविधा और महत्वाकांक्षा के आधार पर नेता एक पाले से दूसरे पाले में जा रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में जो आना चाहे उनका स्वागत है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। इससे पहले अखिलेश यादव के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के डेढ़ दर्जन मंत्री उनके संपर्क में हैं। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा, योगी जी एक दिन में 24 घंटे काम करते हैं, हमें इस पर कोई संदेह भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो 24 घंटे काम करते हैं इसलिए इतनी बेरोजगारी है और व्यापारियों के साथ साथ किसानों और युवाओं को संकट का सामना करना पड़ रहा है। कमाई आधी हो गई है और महंगाई दुगनी हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी के वक्त कहा था इससे काले धन की समस्या समाप्त हो जाएगी और भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार दुगना हो गया है। अखिलेश ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने वाले लोग ठोको राज चला रहे हैं और नौकरी मांगने वालों को पीटा जा रहा है। प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हिरासत में सबसे ज्यादा मौतों के मामले में उत्तर प्रदेश ही आ रहा है। देखिए, जो 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 समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा, जो समाजवादी पार्टी में आना जाएगा उसका स्वागत है। मान लीजिए आज गोडवाना जनतन संदेश निकल रहा है, जनता के बीच में गोडवाना पार्टी के सदस्य लोग जाना चाहते हैं, तो पार्टी ने उनको स्वीकार किया और उनका समर्थन कर रही है पार्टी। तो जो समाजवादी पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत है, उसको शामिल किया जाएगा। ये विश्वगुरु, ये पार्टी के भारतीय जनता पार्टी विश्वगुरु बनाना चाहती थी, भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। और बताइए, जो छात्र हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरी पा सकते थे, जिन्हें रोजगार मिल सकता था, आज उनके साथ नौकरी रोजगार नहीं है। यहाँ आ जाइए राम, इधर आइए, इधर आइए, कहाँ रह गए आप? आने दो, तो इसलिए धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।